देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी। रेलवे ने 27 राज्यों में 130 टैंकरों की मदद से 1585 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन करवाई उपलब्ध। समुद्र सेतु के तहत बहरीन से आ रही 40 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन, ब्रिटेन से हवाई मार्ग से 900 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचे। दिल्ली व हरियाणा में 5 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा DRDO। पीएम केयर फंड से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और RLM में लगाए जा रहे प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के अपव्यय को कम करने के लिए केरल के स्वास्थ्य कर्मियों को सराहा, कहा कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन के अपव्यय को रोकना है जरूरी। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की नई घोषणाएं। कोविड हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए 50,000 करोड़ की विशेष विंडो का ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बताया जरूरी। ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल से की मुलाकात। दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर लिए अहम फैसले। गरीब परिवारों को अतिरिक्त 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का होगा वितरण। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अन्याय व हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों को दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नए मराठा आरक्षण को किया निरस्त, कहा 50% से ऊपर नहीं हो सकती आरक्षण की सीमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बच्चों व व्यसकों के लिए कोविड वैक्सीन का करेंगे विस्तार। 4 जुलाई तक अमेरिका की 16 करोड़ व्यसक आबादी के टीकाकरण की योजना। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 15 करोड़ 49 लाख से हुए ज्यादा। मरने वालों की संख्या 32 लाख 41 हजार के पार। कोरोना से निपटने के लिए भारत को वैश्विक सहयोग जारी। अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात से पहुंची मदद। अमेरिका से 81,000 रेमडेसिविर की खुराक। सऊदी अरब से 140 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। सिंगापुर से 3,650 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे भारत।